आदरणीय योगी जी, लखनऊ लखनऊ में रहने वाले मेरी बहनें, भाइयों, छोटे बच्चे, सबको प्रभु चावला का नमस्कार। मेरा यूपी से काफी पुराना संबंध है। उत्तर प्रदेश में मैं रिफ्यूजी की तरह आया था। जब पाकिस्तान का बना था और भारत का विभाजन हुआ था तो मैं एक वर्ष का था। उस एक वर्ष के अंदर हमारे को आगरा के अंदर एक रिफ्यूजी कॉलोनी है जिसका नाम है नामनेर। हम सात भाई बहन उस एक छोटे से कमरे में बड़े हुए। तो मैं आगरे में पढ़ा। जो भी मेरे अंदर गुण और अवगुण, अवगुण तो मेरे दिल्ली वालों ने दिए, गुण मेरे को आगरा वालों ने दिए। तो जो भी अच्छाइयाँ मेरे अंदर हैं, थोड़ी बहुत बहुत कम हैं वैसे तो, वो सारी यूपी की देन है। कि यूपी एक ऐसा स्टेट है जिसमें भारत की धरोहर है, जिसमें भारत की बड़ी बड़ी नदियां हैं, जिसने भारत के बड़े बड़े ऋषियों को जन्म दिया है। अगर उत्तर प्रदेश नहीं होता तो शायद राम भगवान भी नहीं होते। तो अगर राम भगवान भी यूपी से आए हैं तो बड़े बड़े ऋषि और महादेव यहाँ से आए हैं। तो यूपी में अगर रह के उत्तर प्रदेश का मैं वहां पर मैं पढ़ा, इसका मेरे को गर्व है। आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ महिलाओं के सम्मान के लिए। इंडियन एक्सप्रेस एक कार्यक्रम करता है, पिछले 5 साल से हम इस कार्यक्रम कर रहे हैं, पर 3 साल से ज्यादा तेजी से कर रहे हैं। काफी बड़े लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं। कई महिलाएं ऐसी थी जो सारे दिनों अखबारों में छपता रहता है उनका नाम, उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं। काफी सारी संस्थाएं केवल उनको सम्मानित करती हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस अखबार, जिसको रामनाथ गोयनका जी ने स्थापित किया था, जिन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए लड़ाई की थी, उनके अखबार के माध्यम से हम ऐसी महिलाओं को क्यों ना सम्मानित करें जो समाज के प्रति, जितनी बुराइयां हैं समाज के अंदर, जो अपना जुझारूपन दिखाती हैं, जो अपनी शक्ति पर खड़ा होकर करती हैं, शक्ति का नाम ऊंचा करती हैं, ऐसे लोगों को जिनके अखबारों में नाम नहीं छपते, ऐसे लोगों को हम सम्मानित करेंगे, ऐसा हमने सोचा। उसी श्रृंखला में आज यूपी में हम तीसरे वर्ष में ये कर रहे हैं। ऐसी महिलाएं जिनको अखबारों में आप बहुत कम देखते होंगे, वो बेचारी अपने गांव में, डिस्ट्रिक्ट में पड़ी हैं, काम करती रहती हैं। इस बार जब हमने लिस्ट बनानी शुरू की तो उसमें हमारे को अवस्थी जी, जो यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, एक अच्छा सुझाव दिया उन्होंने कि आप थोड़ी रिसर्च और कीजिए। कई बार अखबार वालों की आदत होती है कि इंटरनेट पर चले जाइए, वहां से काम देख लीजिए, जिसकी ज़्यादा इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर पब्लिसिटी होती है उनका नाम ज़्यादा आ जाता है। तो हमारे एडिटर भी कई बार लालची होते हैं, काम ऐसा नहीं करते। तो अवस्थी जी के कहने पर हमने एक काफ़ी रिसर्च की और ऐसी ऐसी महिलाओं का नाम हमने देखा जिसको हमने सुना नहीं था। तो मेरे को आज ये गर्व है कि हमने यूपी के ऐसी महिलाओं को चुना है अवार्ड देने के लिए योगी जी के माध्यम से, जिन्होंने वास्तविक रूप से उत्तर प्रदेश का नाम ऊंचा किया है, अपने परिवार का नाम ऊंचा किया है। मेरे को अब मैं ऐसे प्रदेश में खड़ा हुआ हूँ, यूपी के लिए कितनी अच्छी बात है। ऐसे कई बार बड़े बड़े प्रधानमंत्री इस देश को दिए हैं, इस बार का भी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का है। 11 में से 7 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो एक के ऊपर युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं और कर्म पुरुष योगी यहां पर हैं। तो युग पुरुष नरेंद्र मोदी, जो लोग कहते हैं, इनके जो प्रभावित करने वाले लोग कहते हैं कि एक युग पुरुष पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया है, और उन्होंने भी वाराणसी को चुना। वाराणसी जो सारे विश्व के अंदर एक मशहूर हमारा रिलीजियस स्थान है, और योगी जी भी पूर्वांचल से आते हैं। तो एक मिशन जो है युग पुरुष का और कर्ण पुरुष का, इस प्रदेश को कहाँ ले जाएगा ये आने वाले समय में बताएगा। परंतु पिछले 5 महीने में जो काम हुआ है, लगता है कि यहाँ पर फाउंडेशन नींव जो है, एक स्वच्छ भारत, एक उत्कृष्ट उत्तर प्रदेश, उत्तम उत्तर प्रदेश, गोल्डन उत्तर प्रदेश, योगी जी ने उसकी शुरुआत कर दी है। ठीक, योगी जी का अपना कोई परिवार नहीं है, मोदी जी का अपना कोई परिवार नहीं है। तो ये कहिए कि एक ये जो कहते हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन है, भारतवर्ष का जो नेतृत्व करने वाला है वो भी सारे भारतवर्ष को अपना परिवार मानता है, उत्तर प्रदेश को जो शासन करने वाला है सारे उत्तर प्रदेश को अपना परिवार मानता है। उस परिवार में कोई जातिवाद नहीं है, उस परिवार में कोई धर्म नहीं है, उस परिवार में यही है कि उस परिवार का छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, समझदार बच्चा, कम समझदार बच्चा, बच्चियां, सब मिलकर के तरक्की करें। इस तरह का रोड मैप उन्होंने तैयार किया है, जो मैं देख रहा हूं पिछले कुछ सालों से वो तैयार किया उन्होंने। मेरे को लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश काफी तेजी से आगे बढ़ेगा, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं।
क्योंकि अभी आपने फिल्म में भी देखा है, ज्यादा बताना कुछ के क्योंकि इनके कर्म बता रहे हैं, कई बार बोलने से नहीं होता, दिखने से ज्यादा होता है। क्योंकि योगी जी सबसे कम उम्र वाले एमपी थे, जैसे ही वो 25 साल के हुए वो लोकसभा के अंदर गए, उनका रिकॉर्ड है, शायद मेरी नॉलेज में नहीं है कि उन्होंने कोई तोड़ा हो। अगर इतनी छोटी सी उम्र के अंदर वो वहां के मेंबर पार्लियामेंट बन सकते हैं, अभी भी छोटी उम्र के अंदर वो यहां के मुख्यमंत्री बन गए हैं, जब उनके ऊपर किसी किस्म का और कोई उनके ऊपर नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, मेरे परिवार का क्या होगा, बच्चों का होगा, कुछ नहीं होगा, जब अपने सारे परिवार को आकर लेकर चलने वाले हैं, नई नीतियों को अपनाव कर रहे हैं, कोई किसी किस्म का लालच नहीं, और बिल्कुल सिंपल किस्म के व्यक्ति हैं, फल फूल खाते हैं, सुबह पूजा करते हैं, उठते हैं, अपने डिसिप्लिन से काम करते हैं, गौ की पूजा करते हैं, हर चीजों की पूजा करते हैं, जिस व्यक्ति की श्रद्धा केवल अच्छाई में हो, वही व्यक्ति अच्छा ही काम करेगा और देश के लिए भी अच्छा होगा और प्रदेश के लिए भी अच्छा होगा। और मेरे को लगता है योगी जी के नेतृत्व में अगर प्रदेश ऊपर चढ़ गया, अगर प्रदेश की यहाँ के उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट जीडीपी ग्रोथ अगर बढ़ेगी 3% या 2% फालतू, तो भारतवर्ष की जीडीपी 1% बढ़ जाएगी, तो यूपी के बढ़ने से, यूपी के विकास से देश का विकास भी होगा। और योगी जी के ऊपर उन्होंने समझा है कि इस तरह का यूपी का विकास करेंगे तो भारत के अंदर भी उनका एक योगदान होगा, इसी दृष्टि को लेकर के वो आगे चल रहे हैं। और आज आकर के उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए या आने के लिए हमारे को एक मौका दिया, हमारी जो प्रार्थना है उसका स्वीकार किया, मैं उसके लिए उनका बहुत ही आभारी हूँ। मैं एक बार फिर उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपकी यूपी की महिलाओं को अवार्ड देंगे और वो आगे आपकी आशीर्वाद से और भी ज्यादा काम करेगी, इस इच्छा के साथ मैं आपका फिर एक से धन्यवाद करता हूँ।